नमस्कार दोस्तों, अगर हम बिगनर हैं और बच्चों को एक टेलीस्कोप लेके देना है स्पेस के लिए और बजट अगर ज्यादा नहीं है तो 10,000 से नीचे के कुछ टेलीस्कोप्स पे मैंने पास पे वीडियो बनाया था, उसी में से एक ये मीड 60mm रिफ्रैक्टर है। मीड 60mm रिफ्रैक्टर अमेरिकन कंपनी है, मीड और सेलेस्टॉन भी अमेरिकन कंपनी है, दोनों कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है। आज हम बात करेंगे मीड 60mm जो इस तरह से बॉक्स में आता है और सेलेस्टॉन पावर सीकर से इसमें क्या डिफरेंस है, प्लस इसको कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज करना है और अगर पिक्चर्स इससे देखें तो कैसे दिखाई देती है। ये ऑप्टिकल ट्यूब है ब्लू कलर की, बहुत ही सुंदर सी। स्टैंड इसका काफी स्टेडी लगा, अगर आप सेलेस्टॉन पावर सीकर 60 का स्टैंड देखेंगे वो काफी कमजोर है इसके मुकाबले। प्लस इसका जो रेड डॉट फाइंडर है वो सेलेस्टॉन के ऑप्टिकल फाइंडर से बेटर है। और एक ये 26mm आपका आईपीस है, फिर ये 9mm का है, करीब 70-78x पावर आपको देगा। और अगर आपने ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं तो फिर ये 26mm आपको जो है बेस्ट है ढूंढने के लिए। और बार्लो अगर आपने यूज करना है तो इन दोनों आईपीसी के साथ आप बार्लो यूज कर सकते हैं, उनकी पावर डबल हो जाएगी। जो डायगनल है वो 90 डिग्री इरेक्ट इमेज देता है, तो 8,590 आज की डेट में प्राइस है, आगे का हम नहीं कह सकते लेकिन अभी करंट प्राइस इसकी ये है। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स या मून आपका अगर है तो आप डेफिनेटली ये इससे बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, एडल्ट को बच्चों को। पावर सीकर से थोड़ा बेटर है क्योंकि आईपीसीस बेटर है, कॉस्ट कम है। आप अमेजोन पे चेक कर लीजिएगा, करीब 12,000 से 13,000 के बीच में ये टेलीस्कोप है। अब इसका असेंबली का वीडियो। अब देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर कलर का स्टार की शेप में, ये इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रोक देता है। तो जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट स्टडी कर लिया है डे टाइम में आप यहाँ रोक के उसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन नाइट टाइम में आप इसे खोलना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होगा। एक हाइट आप यहाँ पे ये लूज करके पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए, लूज करके, अगर आप लूज नहीं करेंगे तो ये मूवमेंट नहीं होगी। लूज करके आप टाइट कर सकते हैं, फिर आप उसको यहां से ट्रैक कर सकते हैं वर्टिकली। और इधर की डे टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट, बैनर, बिल्डिंग, साइन बोर्ड आप देखिए, जो इसका सेंटर है वो यहाँ सेंटर में होना चाहिए। अगर रेड डॉट थोड़ा सा इधर या दाएं बाएं है तो उसके ये अलाइनमेंट स्क्रूज हैं, ये वही है, तो आप उसे अलाइन कर लीजिए। जब अलाइन हो जाएगा दोनों स्क्रूज से तो आप रात को दोबारा से यही सेटअप बालकोनी में या टेरेस पे ले जाके आप देखेंगे रेड डॉट जिस चीज पे है, मून पे, सैटर्न पे, जुपिटर पे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ होगा। जब आपने ये सेटअप कर लिया उसके बाद आपने प्लैनेट्स थोड़े से बड़े देखने हैं करके, तो आप ये जो इसका 26mm आईपीस है ये निकाल लीजिए, इसको आप बार्लो में डाल, तो ये इस तरीके से बार्लो में आप डाल देंगे तो 13mm, तो आपकी जो पावर है वो करीब 46 के आसपास हो जाएगी। तो ये एक नया पावर कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा। ये इस तरीके से 26 2x बार्लो के साथ कुछ स्टार क्लस्टर्स या कुछ नेब्यूला जो थोड़े कंस्ट्रिक्टेड हैं उन पे आप यूज कर सकते हैं। अगर प्लैनेट्स पे और हैं तो आपको ये सेटअप हटाना पड़ेगा, आप इसमें 26 निकाल के और उसके बाद ये जो 9mm आईपीस है ये लगा सकते हैं, तो वो 4.5mm का आईपीस बन जाएगा। दौरान आपको डिफरेंट पावर्स पे डिफरेंट
कॉम्बिनेशंस पे आईपीस के आपको फोकस करना है, अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो पिक्चर नहीं बनेगी। ब्लर दौरान ऑब्जेक्ट भी शिफ्ट हो जाएगा तो आपको टेलीस्कोप भी हिलाना है, ट्रैक भी करना है उसको, तो वो आपको करना पड़ेगा। स्काई मैप मोबाइल का यूज करना चाहते हैं टेलीस्कोप से ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, तो दो चीजों की मैं आपको आवश्यकता बताऊंगा, एक मोबाइल फोन वो सबके पास होता है, और दूसरा ये इस तरीके से आप अडेप्टर ले लीजिए जो यहाँ पे लग जाए, केसन कंपनी का है, तो उससे फायदा ये होगा कि स्काई मैप पॉपुलेट हो जाएगा जैसे अभी है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं आप, उस डायरेक्शन में टेलीस्कोप पॉइंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने मोबाइल से फोटो लेनी हो तो सेम अडेप्टर जो है यहाँ लेंस पे लग जाएगा जो पास में हमने कई बार बताया, तो मून फिल्टर लग जाएगा, तो ये मून फिल्टर साथ में नहीं आता लेकिन आप एड ऑन कर सकते हैं, इससे फायदा ये है कि मून का जो ग्लो है वो कम हो जाएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लगा के यूज कर सकते हैं। यहाँ बैग ले सकते हैं जिसमें आपका ट्राइपॉड और ट्यूब आ जाए, इसमें पार्टीशन है, जिप्ड बैग है, तो पैडेड बैग है, कहीं ले जाना हो तो ये बैग काफी अच्छी क्वालिटी का है, ये मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना हो टेलीस्कोप।